चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का लाहौर नैब में अहम इजलास। पंजाब 54 कंपनीज हाउसिंग सोसाइटीज में करप्ट अफराद के खिलाफ अहम सबूत मिल गए, इजलास में इंकशाफ किया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे राहिल सैयद से। राहिल बताइएगा, इजलास में अहम इंकशाफात किए गए हैं? ये इजलास जो हुआ है जिसके सारा चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने किया, उनको जो ब्रीफिंग दी थी वो डीसी नैब लाहौर से रात की जाने से दी गई थी। 56 कंपनी केस जो चले स्कैंडल, उसके वजह से तमाम तफसीलात से आगाह किया गया कि किन किन लोगों के खिलाफ जो अफसरान सरकारों के साथ शवाहद इकट्ठे हो चुके हैं, उसके नैब ने क्या पेशकश की है। उसके अलावा जो हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ जो केसेज चल रहे हैं उससे भी उन्हें बताया गया डीसी नैब को कि हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से क्या उनके साथ अब तक ये बार्गेनिंग हो चुकी है, किन किन लोगों को जो है प्लॉट दिए जाएंगे और किन किन लोगों को रकम की वापसी की जाएगी, अब तक के बारे में तमाम तफसीलात से आगाह किया गया। जराए का कहना यह है कि 56 कंपनीज में जो है सरकारी अफसरान मौजूद हैं, जो मुलविस थे, उसके अलावा जो सियासत मुलविस थे, उन हवालों से जो तहकीकात में अहम पेशक हुई है। कुछ चीजें भी नैब के सामने आई जिसमें हम आइंदा जो है चंद रोज में देखा जा सकता है कि कुछ गिरफ्तारियां भी मुतवक होंगी। इसके अलावा जो फवाद इसम फवाद और आहा चीमा के खिलाफ जो केसेज चल रहे हैं उसके हवाले से भी उन्हें ब्रीफिंग दी गई है कि आहा चीमा के खिलाफ आमदन से जायद साधे पर दूसरा जो रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं नैब, उससे भी ब्रीफिंग दी गई। जबकि फवाद इसम फवाद के खिलाफ नैब ने बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया, पहले इंक्वायरी करी थी, अब उसको तहकीकात में तब्दील किया गया। इस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है कि अब तक फवाद इसम फवाद से क्या तहकीकात की गई है। जायका कहना यह कि जितनी भी जो कारकर्दगी थी अब तक की नैब की, वो उनको तमाम जो है उनको चेयरमैन नैब को आगाह किया गया और बताया गया कि अब तक 2 अरब रुपए की जो है मुख्य स्कैंडल से रिकवरी भी नैब लाहौर ने की है, जिस पर चेयरमैन नैब ने जो है डीजी नैब लाहौर को उनकी टीम को शाबाश भी दी, कहा है कि जितने भी अहम केसेज उनकी बर वक्त जो तहकीकात है मुकम्मल की जाए और रेफरेंस जो है जल्द से जल्द अदालत में पेश किए जाएँ ताकि मुजरिमों को जो है वो सजा दिलवाई जा सके। जी, पंजाब 56 कंपनीज हाउसिंग सोसाइटीज में करप्ट अफराद के खिलाफ अहम सबूत मिल गए हैं। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।